My name is Gaurav Mehra. I'm a certified dog trainer. और मैं अराउंड प्रोफेशनली 4 ईयर से डॉग ट्रेनिंग कर रहा हूँ. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे टॉपिक्स जो हम पपी एज में सिखाने चाहिए. तो फर्स्ट ऐसे उसमें आता है प्लेस कमांड. इसलिए होता है इम्पॉर्टेंट इसलिए कि जैसे घर में कोई गेस्ट आता है या डोर बेल बजती है तो वो डॉग एक्साइटेड हो जाता है. तो कई लोग क्या होते हैं कि डॉग लवर नहीं होते, तो उसको पता होना चाहिए आपने कमांड किया प्लेस तो वो अपनी जगह पर जाके बैठ जाए. जगह उसकी ऐसी होनी चाहिए जैसे मान लो आप कैसे भी सिखा सकते हो, लाइक केज उसका पर्टिकुलर एरिया, कैनल उसका हो सकता है या पर्टिकुलर उसका बेड हो सकता है. तो आप उसे कमांड करो प्लेस, देन वो अपनी जगह पर जाके बैठ जाए. तो सेकेंड चीज़ ये है फूड परमिशन जो हम सिखाते हैं पपी को. फूड परमिशन इसलिए काम आता है ताकि जो हम उसको मील देते हैं उसके बाउल में वो मतलब इतना एक्साइटेड ना हो और जो उसे कमांड के साथ उसको दे पाए. लाइक जैसे कि आपने उसको मील दिया तो डॉग बहुत एक्साइटेड हो जाता है, पपी मील मिलने वाला, खाना मिलने वाला है. तो मील टाइम के टाइम में पपी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है. तो क्या करते हैं उसको स्टे करो या डाउन करो ताकि वो डाउन हो जाए और देन उसके आगे मील रखो, देन कमांड के बाद आप उसको खाना दो ताकि आपकी परमिशन के बाद ही वो खाना खाए, ना कि ऐसे इतना हाइपर रहे, एक्साइटेड रहे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फूड परमिशन पपी के लिए ताकि वो विदाउट कमांड ना जाए, विद कमांड जाए. टॉयलेट ट्रेनिंग थर्ड चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पपी एज में. घर में कोई आता है, हम खाना खा रहे तो घर के अंदर ही पपी जो है सुसु पॉटी कर रहा तो वो बहुत ख़राब लगता है. तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, अगर नहीं सिखाओगे तो वो पपी एज तक मतलब बड़े एडल्ट तक वो यही घर में ही करता रहेगा, तो उसके बाद सिखाना बहुत मुश्किल है. तो पपी एज से हम कैसे सिखाएंगे उसको, जैसे उसको मील देते हैं हम हर टाइम, जैसे पपी है तो 3 टाइम्स मील दोगे आप, तो 3 टाइम मील के बाद इमीडिएटली मील कंप्लीट करने के बाद आप उसको बाहर ले जाओ, जहाँ टेरेस पे ले जा सकते हो, बैल्कनी में ले जा सकते हो, या नीचे का फ्लोर है तो आप नीचे भी ले जा सकते हो उसको, ताकि वो बाहर उसकी इसकी हैबिट बने बाहर करने की, ना कि घर के अंदर करने की. आप करोगे इसको मील देने के बाद उसको बाहर लेके जाओगे तो उसके बाद वो सुसु पॉटी करने लग जाएगा, उसकी हैबिट बन जाएगी, आदत हो जाएगी, तो फिर वो घर के अंदर नहीं करेगा. वो चीज़ ये है जो सिखानी चाहिए पपी को, वो है सोशलाइजेशन, जिसमें कि हमें पपी को फर्स्ट डे से ही, जैसे आप आफ्टर वैक्सीनेशन उसको बाहर लेके जाओ, ट्रैवल कराओ अपने साथ, लोगों से मिलवाओ, तो जो स्ट्रेंजर्स हैं उनसे मिलवाओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है पपी के लिए ताकि वो कंट्रोल में रहे आपके. अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते, सोशलाइज नहीं करते, तो क्या होता है मिसबिहेव करता है, पुलिंग स्टार्ट हो जाती है. और वो जैसे भी कोई घर में गेस्ट आता है या घर में बाहर भी आप वॉक करा रहे हो तो कोई मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है बहुत जल्दी, कंट्रोल में नहीं रहता आपके. तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है पपी, इसे आप उसको सोशलाइज करो सब चीज़ के साथ, वो रोड पे वॉक कराओ उसको, स्ट्रेंजर से मिलवाओ, फ्रेंड से मिलवाओ, और बाहर जाके उसको ट्रेनिंग दो पार्क में जाके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशलाइज करने के लिए. टॉपिक ये है जो हमें पपी को सिखाना चाहिए पपी एज में, वो है नो कमांड और कम कमांड. फॉर एग्जांपल आप पपी के साथ वॉक कर रहे हो बाहर पार्क में, तो आपका पपी जो है वो ऑफ लीश है, तो वो स्मेल करते करते कुछ भी सामान पड़ा है खाने के लिए जो वेस्ट है, जो उसे नहीं खाना चाहिए, तो वो खाने लग जाता है. तो कमांड दो नो और वो उस चीज़ को इमिडिएटली स्टॉप कर दे उस बिहेव को, वो खाना. और कम कमांड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे वो आपने वो उसने बिहेव स्टॉप करा तो आपके पास आ जाए वो, और या फिर जैसे कि वो ऑफ लीश घूम रहा है पार्क में और कुछ लोगों के पास मिलने चले जाता है, बच्चों का खेलने चले जाता है, किसी भी रोड की तरफ चले जाता है जहाँ ट्रैफिक हो रहा है, तो उसको कम आना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके पास आ जाए पपी.